हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे प्रकाश सर से, प्रकाश नायक सर से, और हम लोग रैंडमली बात करेंगे सर। ऐसा कोई हमारा प्री प्लान नहीं है, ये वीडियो बना के हम आपको कुछ ऐसा कहने वाले, पहले से प्लानिंग कुछ नहीं है। अचानक मैं अचानक मैं सर से मिल रहा हूँ और कुछ मेरे जहन में सवाल थे, तो ये सब हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप जरूर ये वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देखिए, मोटा मोटा व्हाई इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस लिए? जैसे कि सर LIC से जुड़े हैं, सर आपके बारे में थोड़ा बहुत हमारे दर्शक को बता दीजिए। धन्यवाद। तो थैंक यू साहू जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। आपका जो सवाल है, उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम प्रकाश नायक है, मैं मलाड ब्रांच बम्बई का शाखा का सीनियर बिजनेस एसोसिएट हूँ। अभी मैं रिटायर हो गया एंड आई स्टार्टेड माय सेकंड इनिंग्स एज अ लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएट करके मैं शुरू किया है काम। अभी इनका सवाल है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हम हैं तो हमारा काम क्या है, लोगों का लाइफ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है, और लोग कितना तलक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, सॉरी, ये लाइफ इंश्योरेंस लेने की तरफ से आपका मन बना हुआ है। तो एक उसका उत्तर ऐसा है मैं दे सकता हूँ कि सवेरे से रात तलक सब दुनिया कायम है सिक्योरिटी के पीछे। किस प्रकार का सुरक्षा होना ज़रूरी है, लोगों को सुरक्षा का जो स्वाभाविक रूप से मन में ऐसा रहता है कि इनकम सिक्योरिटी आना चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी आना चाहिए, स्पिरिचुअल सिक्योरिटी आना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी रहना चाहिए, इसके प्रति लोगों का एंटायर लाइफ का चॉइसेस प्रेफरेंसेस जुड़ा हुआ है। क्या है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लोग चुनते हैं कि कौन सा क्षेत्र में मुझे इन्वॉल्व होना है, मुझे किस हिसाब से कैरियर बनाना है ताकि लगातार कैश फ्लो आ जाए और मेरा आने वाले दिन तक बुढ़ापे में भी मुझे सहारा मिले, वैसा कोई क्षेत्र चुनते हैं, प्रोफेशन चुनते हैं ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो और इनकम भद्र हो और हमारा जीवन सुखमय हो, तो उसके लिए हमारा प्रयास रहता है और उस हिसाब से लोग उनका प्रोफेशन को चुनते हैं, उनका जो गॉड गिफ्टेड कौशल्य के हिसाब से वो लोग चुनते हैं। इसलिए चुनते हैं कि कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, कैश इज किंग बोलते हैं, मतलब अगर हमारे पास हाथ में पैसा रहेगा तो यू आर ऑलमोस्ट लाइक ए किंग। तो हमारा जीवन का असुरक्षित भावना क्या क्या है, मतलब क्या क्या थ्रेट हो सकता है, क्या क्या यू नो रिस्क हो सकता है लाइफ में जिससे हमारा कैश फ्लो रुक सकता है, वो एक 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 हमारा सिक्योरिटी का एक कंसर्न रहता है। तो इसीलिए लोग कमाते हैं और सेव करते हैं और खर्च करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको देखना चाहिए कि कितना कमाया इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना सेविंग किया वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। तो एक्चुअली आपका खर्चे के ऊपर काबू नहीं रहता, इसलिए आप कितना कमाते हैं और जैसा आपका चंचल स्वभाव के अनुसार खर्च करते रहते हैं लाइफ में बहुत सारा चीज हासिल करने के लिए, अनुभव करने के लिए, और उसमें आप इन्वॉल्व होके पैसा खर्च करते हैं एंड यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर, खर्चा के ऊपर आपका काबू नहीं रहता है। तो आपको एक चीज से बचना है कि आगे का भविष्य को भद्र बनाने के लिए कड्डाई बचत, कंपल्सरी सेविंग्स के बारे में आपको हमेशा सोचना चाहिए और करना चाहिए। कड्डाई बचत में क्या होता है कि इनकम माइनस सेविंग्स, उसके बाद जो बचता है उसमें खर्च करने का आपका प्रयास करना चाहिए, मतलब वैसा आपको रूपित करना चाहिए जीवन को। क्या है कि आपने कमाया, पहले आप सेव करो, जितना आपका भविष्य का प्लान है उसके हिसाब से सेविंग करो, फैमिली के लिए सेविंग करो, इंश्योरेंस का कवर ले लो और पेंशन प्रोविजन करो, बच्चों का एजुकेशन का सेविंग करो और आपका बच्चों का शादी का बाकी का अनफोर्सिन एक्सपेंसेस आता है उसके लिए सेविंग करो, देन ये जो छोटे छोटे हिस्से में सेविंग होता है और वो ग्रोथ होता है, तो उस हिसाब से आपको
ये जो सेविंग का पोर्शन पहले कायम करने के बाद देन यू हैव टू यू नो प्लान फॉर योर एक्सपेंडिचर, तो वो जो मेथड है आपको ज़्यादा फायदा देता है। मार्केट में कंपलसरी सेविंग का ऑप्शंस कौन सा है, जैसे बैंक से, जैसे एफडी है, म्यूचुअल फंड है, लाइफ इंश्योरेंस है, और ऐसा कोई लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सेविंग करते हैं, तो उधर क्या है, काबू नहीं है, तो आपको जब चाहे पैसा उठा सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं, और उसको आपको सुविधा है कि आपका तोड़ने का चांसेस और नुकसान नहीं होता है। कब आप कड्डाई बचत में लगे रहते हैं, जब भी आपका सेविंग किया हुआ अमाउंट को आप निकाला नहीं जा सकता है, कंपल्सरली सेव हो जाता है, अगर निकालने में या एनकैश करने में आपका पैसा थोड़ा लॉस में जाता है, इन दैट केस आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये यार पैसा मैं उठा लूँ तो मेरा लॉस हो सकता है, तो उस हिसाब से आप उसको निकालेंगे नहीं और वैसे ही रहने देते हैं, और वो नॉर्मली ग्रो होता है उसमें, और आपका इंश्योरेंस कवर भी होता है, और इन केस ऑफ एनी कैलमिटी असुरक्षित स्थिति में या अनिश्चितता का कारण कुछ लाइफ में कुछ हादसा हो गया, तो जितना अमाउंट का इंश्योरेंस लेके रखा है उतना अमाउंट का पैसा आपको मिलता है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त भविष्य का इनकम जो है वो आप मन में रखते हुए एक अमाउंट सेट करेंगे, तो उस सेटिंग के हिसाब से आपका एक इंश्योरेंस कवर करके रखना बहुत जरूरी है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, अगर मैं 1,00,000 रुपये महीने में कमाता हूँ तो मेरा 12,00,000 रुपये का इनकम होगा साल का, तो आने वाले मेरा तो समझ लीजिए एज 35 इयर्स है, तो मुझे 25 साल 60 इयर्स तक 35 इयर्स का 25 इयर्स का मेरा टेन्योर है कि मैं 25 साल में कितना लाख कमाऊं या कितना करोड़ कमाऊं, तो 12 लाख इनटू आपका इन्फ्लेशन का जो बढ़ोतरी का जो रेट आप डालेंगे, और आप यू नो इफ यू गो अहेड विद द यू नो कैलकुलेशंस 25 साल में 12 लाख के हिसाब से कम 5 से 8 लाख रुपया आप कमाते हैं, और उतना 8 करोड़ रुपये कमाते हैं, तो 25 साल में साल का कितना हो गया 12 लाख रुपये, मतलब 12 लाख के हिसाब से 2,40,00,000 प्लस 6 लाख 3 करोड़ रुपये कमाते आप, तो 3 करोड़ रुपये कमाने में आपने बचाया क्या, अगर आपने कमाया बहुत अच्छा रकम दिखता है वो 10 साल में 12 लाख बाद में आपको साल में नहीं साल में 12 लाख साल में 10 साल में आपने 1,20,00,000 कमाया, बिल्कुल 20 साल में 2,40,00,000 कमाया जी, और बाकी जो बचा 5 साल में आपने 3 करोड़ कमाया, बिल्कुल, लेकिन आपका इन्फ्लेशन को जोड़ देंगे तो कम से कम 8 से 10 करोड़ तक रकम बन जाता है वो, लेकिन इतना बड़ा रकम हम कमाते हैं लेकिन ऐसा देखने जाए तो आश्चर्य लगता है, लेकिन बचता क्या है उसमें, तो उसमें बचाव के लिए हमको आज का जो 1,00,000 रुपये है 25 साल में कम से कम 4 लाख हो जाता है उसका इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो 4 लाख का जितना आपका कैश फ्लो आने वाले दिन में आने के लिए कितना पैसा बैंक में रखना पड़ता है, अगर बीच में डेथ हो गया तो फैमिली को 1,00,000 का जो लॉस होता है ना महीने का, तो वो जो कौन भरपाई करके देता है, तो इनकम का 1,00,000 का इनकम अगर महीना है तो कम से कम 100 गुना ज्यादा, मतलब उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस करके रखना जरूरी है, ताकि आपका 6% में इंटरेस्ट रेट मार्केट में 6 से 8% है, तो 1 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस करके रखा तो 1 करोड़ रुपया समझ लीजिए डेथ के बाद मिल गया, तो उसमें 1 करोड़ रुपये का पीछे आपका जो 6,00,000 रुपये से 8,00,000 रुपये आएगा तो घर का खर्चा संभालने में थोड़ा मदद मिलता है, तो इसलिए इनकम का महीने का इनकम का 100 गुना ज्यादा कम से कम इंश्योरेंस करके रखना चाहिए। जो मैच्योरिटी की बात आप कर रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं डेथ के बारे में, डेथ के बारे में इन कवर लेना जरूरी है, क्या कवर लेना जरूरी, देखिए आपका सेविंग के लिए आपका ऑप्शंस बहुत है, म्यूचुअल फंड्स है, एफडी है, और आपका यू नो बाकी प्रकार का एसआईपी कुछ एसआईपी वगैरह सेविंग्स है, बहुत सारा बैंक एफडीज है, आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं, ऑप्शंस है, लेकिन इंश्योरेंस कवर नहीं है ना, इंश्योरेंस कवर नहीं है, ये जो मुद्दा है ये जो है, इसलिए इंश्योरेंस कवर कड्डाई बचत, एक तो कड्डाई बचत होता नहीं उसमें, पैसा जब चाहे उठा लेते हैं तो आपका जीरो हो गया, सेविंग ही नहीं रहा उधर, तो आपको सेविंग कड्डाई बचत करना है, गारंटी सेविंग करना है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा जरिया है, 20 साल 15 साल 25 साल का टर्म में लेते हैं
बीच में उठाया नहीं जा सकता है, क्या कि यू हैव टू वेट फॉर द मैच्योरिटी। लेकिन पैसा उठाने में सुविधा है उसमें, उसमें लोन के जरिए पैसा उठा सकते हैं, कैश कर सकते हैं, लेकिन आपको चालू रखना है और उसका मैच्योरिटी के लिए आपको पॉलिसी बना के रखना है, बना के रखना है। लेकिन बीच में कुछ हो गया, कवर मिल जाता है और फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब भविष्य का इनकम जो है आज आने वाले साल में 10 साल में कमाने का जो इनकम है वो 10 साल में आप 1 करोड़ 20 लाख कमाते हैं, तो आज 1 करोड़ पॉलिसी लिया तो आपका 10 लाख का 10 साल का इनकम प्रोटेक्शन हो गया।